जो निर्णय लिए गए हैं उन सबको बैठक खत्म होने के बाद सार्वजनिक करेंगे। वैसे आज नया वर्ष प्रारंभ हुआ है तो आपके माध्यम से मैं अपने छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं कि ये 2018 हमारे प्रदेश के लिए निर्णायक वर्ष साबित होगा। यहाँ जो क्षेत्रीय पार्टी हमने बनाई है उसका वर्चस्व कायम होगा, हमारी सरकार बनेगी और इस वर्ष को हमने छत्तीसगढ़िया अस्मिता रक्षा वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो जो छत्तीसगढ़ियों की अस्मिता की रक्षा करने में असमर्थ रही है ये सरकार, वो हमारा मुख्य मुद्दा है जिसको लेकर हम किसानों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के वंचित वर्ग SC ST OBC माइनॉरिटीज़ इन सब के लिए अलग से केंद्रित योजनाएं बनाकर सामने आ रहे हैं और लोगों का हमको बहुत व्यापक रूप से समर्थन मिल रहा है, वातावरण हमारे पक्ष में है। इस वर्ष में हम अपनी सरकार बनाएंगे। जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्लबर 28 द डिजिटल मीडिया।